ये है मेरी वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की यात्रा, जहाँ जाने के लिए मैंने उपवास रख यात्रा करने की कोशिश की। क्या मैं बिना भोजन केवल पानी पीकर 2 दिन लगातार यात्रा कर पाया? चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अघोरी, मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं और मेरे साथ मेरे 5 मित्र, हम सब निकल पड़े नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर हम सभी ने श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन ली, जो कि डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन जाती है। अजय दरबार की जय। पूरे दिन व्रत रखने की वजह से शरीर हल्का था, इसलिए जल्दी सो गए और अगले दिन हम पहुंचे कटरा। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही हमें जगमगाते त्रिकुट पर्वत के दर्शन हुए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस बार यात्रा में कुछ नए नियम मुझे दिखाई दिए। सुबह सुबह हमने लिया है ऑटो और हम पहुंचे हैं अभी कुछ ये यात्री निवास है। तो हमने अभी स्टे के लिए ऐसा कुछ रूम लिया है और अभी हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। जय माता दी। अभी अभी जस्ट फ्रेशन अप हुआ है, फ्रेशन अप होके हम निकल रहे हैं। जय माता दी। कैसे डरा रहे हो? हम निकल पड़े चौक की तरफ, जहां पर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, जहां पर हमारी यात्रा पर्ची बनती है। पूरा आपका चौक और यहां से आपका रिसेप्शन सेंटर है, जिसके आपको नीचे की तरफ जाना है, वहां पे आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। यात्रा पर्ची स्टैंड लेनी होगी। ये है कुछ ऐसी यात्रा पर्ची जो हमें मिलेगी। ये है सुबह सुबह के दर्शन। रजिस्ट्रेशन करवा कर हम वैन का वेट करने लगे, जो कि हमें बाणगंगा तक छोड़ेगी, जिसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी यात्रा को। सच्चे दरबार की जय। एंट्री गेट पर पहुंचते ही मेरे सभी मित्रों ने एक एक स्टिक ले ली और एक चुनरी माथे पर सजा कर निकल पड़े हम यात्रा के लिए। सच्चे दरबार की जय। अर्धकुंवारी मंदिर को नीचे से ही देखने पर पता चल रहा था कि आज मौसम बहुत ही खराब है, लेकिन देखते हैं हमारी यात्रा कैसी रहेगी। ये आपका एंट्री पॉइंट, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। हमारा ये कुछ आईडी है, ये चेकिंग होगी, इसके बाद हम एंटर कर पाएंगे अंदर। ये भाई साहब हैं, लगभग भीलवाड़ा राजस्थान से पैदल आए नंगे पैर वैष्णो देवी यात्रा के लिए। कितने किलोमीटर चल के आए आप यहाँ पे? 1150 किलोमीटर पैदल आए हैं, इतना भी, वो भी नंगे पैर, वो भी जनवरी की ठंड में। काफी बार आ चुका हूँ, बट इस बार ये कैमरा मुझे जमा करना पड़ रहा है। मेरे कैमरे की वजह से मुझे 10-15 मिनट मेरा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, वापस जा रहा हूँ। चेकिंग पर मेरी आईडी ले ली गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 360 कैमरा पहले बाहर लॉकर में जमा करके आइए। जमा करने के बाद मैंने अपनी आईडी ली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से शुरू की यात्रा। चलो जी, अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ दूरी पे आके ऐसा कुछ डायवर्जन आता है, जहाँ से लेफ्ट आपका है सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए, राइट आपका है घोड़े खच्चरों के लिए। इस चलचलाती ठंड में मैं आपको करवा रहा हूँ यात्रा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये है आपकी बाणगंगा, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, इसके बाद यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। यात्रा पथ पर आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, ट्रॉली, ये सभी मिलती हैं, जिनके सहायता से आप अपनी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। फास्टिंग की वजह से चढ़ने में थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए मैंने गन्ने का जूस पिया। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो पिया जाता है गन्ने का जूस, क्योंकि कल से पूरा फास्टिंग पे हूँ और कल से मैंने कुछ भी इंटेक नहीं लिया है, लिक्विड के बेसिस पे ही ऊपर चलेंगे। पूरी यात्रा में आपको ऐसे दार्शनिक स्थल बहुत दिखेंगे। बीच रास्ते में आपको मेडिकल यूनिट भी मिलेगी, जहाँ पर निशुल्क सेवा रहती है 24 घंटे। लगभग हमने 1 किलोमीटर तक चल लिया है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलते रहेंगे ऐसे। और यहाँ पे सब लगभग थक चुके हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए वेट कर रहे हैं। जय माता दी। कहाँ रुके हो?
लगभग 2 किलोमीटर हमारा हो चुका है। चलते चलते मेरे मित्रों के शरीर से भाप निकलने लगा था। लगभग इतनी सी हाइट पे आके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से लगभग अभी 12 से 15 किलोमीटर रह गए। देखते हैं अभी कितना समय हमें लगेगा। लगभग 17 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसके बीच में आपको भोजन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मेरा तो व्रत था, इसलिए मैं केवल पानी पीते हुए चलता जा रहा था। जितना हम ऊपर चलते जा रहे थे, उतनी ही खूबसूरती बढ़ती जा रही थी कटरा शहर की। ये एक बीच में बीकानेर के सामने एक छोटा सा ढाबा मिला है, जहाँ पर चाय और नाश्ता चल रहा है। इसके बाद निकलेंगे फिर से यात्रा की तरफ। ये है यहाँ पे 526 सीढ़ियाँ जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, और अभी हम 526 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं। हम 6 के 6 देखते हैं सबकी हालत कैसी रहेगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो। सीढ़ियों से तो आधा रास्ता कवर हो जाएगा। कितना सीढ़ी है? 500। चलो ना, मजा आएगा। अभी लगभग इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और अभी हम कैसी लग रही है सीढ़ियाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है। अभी टफ नहीं है, एक दो सीढ़ियाँ और चढ़ जाएंगे तो बहुत टाइम बचेगा हमारा, 8 दोपहर जल्दी पहुँचेंगे। सुनील जी आपका? मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। और ये हम लगभग 550 सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं। अब हम लगभग अर्धकुंवारी सेक्टर तक पहुँचने वाले हैं। अब अर्धकुंवारी के लिए हम 271 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। चले 271 सीढ़ियाँ। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने का आपको फ़ायदा, व्यू बहुत ही डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल भीड़ से अलग। और हम आ चुके हैं अभी लगभग 250 सीढ़ियाँ पार करते हुए। पीछे का जरा व्यू देखिए। अब हम चढ़ेंगे 115 सीढ़ियाँ और हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पे कुछ ऐसा आपको नजारा मिलेगा। पूरे कटरा शहर का नजारा, जहां से हमने एंट्री की रेलवे स्टेशन तक। मां के भवन तक पहुंचने से पहले आपको लगभग 3 से 4 ऐसे चेक पोस्ट क्लियर करने होते हैं। तो चेकअप पोस्ट के बाद आपका वे टू अर्धकुंवारी की तरफ आता है। इधर से जाएंगे हम। ये है वेटिंग हॉल, जहाँ पे आपका वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ पे है अर्धकुंवारी मंदिर, जहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं। इतनी दूर अर्धकुंवारी पे आ चुके हो, यहाँ पे आपको सागर रत्न, बीकानेर वाला और बहुत सारे ऐसे बजट में भोजन मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं में घूमने के साथ साथ आराध्य के दर्शन एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। अगर यह यात्रा भोले बाबा के निवास श्री कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश की यात्रा हो तो उत्साह कई गुना हो जाता है। इन दुर्गम यात्राओं के लिए यात्रा आयोजक का अनुभवी और विश्वसनीय होना अति आवश्यक है। और ट्रिप टू टेम्पल कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश के लिए भारत की एक अग्रणी कंपनी है, जिन्हें आप धार्मिक यात्राओं के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा के अगले भाग को। यहाँ से आप अर्धकुंवारी जी की पर्ची ले सकते हैं, उसके बाद आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये कुछ लाइन होती है जिनके बाद आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप इन रास्ते से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस यात्रा के बीच में 3 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला पड़ाव बाणगंगा है,
जहां पर माता वैष्णो देवी ने अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा उत्पन्न की थी। दूसरे पड़ाव में आता है चरण पादुका मंदिर। इस स्थान पर माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। और तीसरे पड़ाव में आती है गर्भजून गुफा, जिसे अर्धकुमारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने इस गुफा में शरण ली थी और 9 माह तक तपस्या की थी। तो ये है भवन, चलते हैं अंदर दर्शन करवाते। वैष्णो देवी मंदिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर समुद्र तल से 6523 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं की मान्यता के अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी, जो कि त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। लगभग अर्धकुमारी के बाद हमें ऐसी कुछ ढलान सी आती है, जिसमें आप आराम से प्लेन 1 किलोमीटर के आसपास ढलान। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सारा वर्ष चलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु के मई, जून और जुलाई के महीने ठीक होते हैं। वैष्णो देवी के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कटरा से शुरू होती है। अगर आप पैदल यात्रा चलने में असमर्थ हैं, तो घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के सहारे भी पूरी यात्रा कर सकते हैं। पहली बार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। आज तक मैं पीछे वाले रास्ते से गया था, जो खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये वाली जो चढ़ाई है ये एकदम प्लेन है, जैसे कि पीछे देख सकते हैं। समय कम है या पैदल चलने में असमर्थ है, तो हेलीकॉप्टर से भी माँ के भवन तक पहुँचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा दो हैं। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। अब लगभग हम भवन पर पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले हमारे बाकी बिछड़े हुए दोस्त मिल चुके हैं, और रास्ता भी लगभग स्मूथ है। चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब लगभग हम फॉग के बीच में आ चुके हैं। देखिए जरा आगे फॉग है पूरा, इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। हम आ चुके हैं लगभग हिमकोटी पॉइंट पर, जहां पर अभी पुलिस चेक पॉइंट करके अभी आए हैं। आसपास पूरा फॉग ही फॉग है। जब आप भक्ति में लीन होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकान कुछ नहीं दिखती, केवल आराध्य ही दिखते हैं। दृश्य कुछ ऐसा था कि जिसे देख मन भावुक होता जा रहा था। और लगभग हम पहुंचने वाले हैं। यदि आप देखेंगे नजारा, आपको थोड़ा सा दिखेगा। अब बस कुछ ही देरी में हम पहुंचने वाले हैं माता के भवन में। लगभग यहां से 500 मीटर रह गया होगा, 500 कदम हम चलते हैं और हम पहुंच जाएंगे माता के भवन में, और आपको दर्शन करवाता हूं। सोना नजारा माता के भवन का। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून कहते हैं।
गर्भगृह के दर्शन कर हम सभी बाहर आए। अपने लॉकर से अपना सामान निकाल, जूते पहन, चल पड़े हम भैरव मंदिर की ओर। सभी के मतानुसार हमने ट्रॉली बुक करने का निश्चय किया और चल पड़े ट्रॉली बुकिंग की ओर। ट्रॉली का किराया लगभग 100 रुपये है, जिसमें आप जाकर वापस आ सकते हैं। मैंने पिछले 2 बार तो पैदल यात्रा करी है भैरव मंदिर तक, लेकिन इस बार मैंने ट्रॉली का एक्सपीरियंस लेने का निश्चय किया और बादलों को चीरते हुए जो नज़ारा मिला वो बहुत ही मनमोहक था। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमादान की भीख मांगी। तो अभी रोपवे के बाद हम पहुंच चुके हैं, इधर है भैरव मंदिर और इधर जरा नजारा तो देखिए। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के समीप अवस्थित है। हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। हमारे इस पहाड़ी के नीचे वैष्णो देवी मंदिर है जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फॉग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, देखिए पीछे बर्फ भी पड़ी हुई है, यानी यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, इस वजह से ठंड बहुत ज्यादा है। बाकी यहाँ पे देखते हैं कितनी देर में फॉग खुलता है। फॉग खुलते ही मैं इंस्टाग्राम पे लाइव करूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय माता दी का नाम लेके फॉलो जरूर करिएगा। मौसम और बिगड़ रहा था और ट्रॉली का बंद होने का समय हो गया था, जिसकी वजह से हमने वापस जाने का निश्चय किया। बोल भैरव बाबा की जय। तो इस तरह हम दर्शन कर वापसी की ओर निकल पड़े कटरा शहर की ओर। वापसी में पता चला कि आधे रास्ते तक आपको ये टेम्पो भी छोड़ते हैं, जो कि किराया 300 रुपये लगभग लेते हैं। चढ़ाई करते हुए जितना मौसम ठंडा था उससे कहीं ज्यादा उतरते हुए होता जा रहा था, क्योंकि ओले की बारिश होने लगी थी। यात्रा करने का रास्ता एक स्वप्न लोक जैसा नजर आ रहा था। इतनी धुंध हो रखी है यहाँ पे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, देखिए मुंह से भाप आ रहा है, इतनी ठंड है यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी नीचे पहुँचने का हमारा एम है, क्योंकि नीचे पहुँच के हम रेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कल हमें शिवखोड़ी के लिए यात्रा करनी है। मैं तो ग्रुप के साथ आया हूँ, यदि आप अकेले आते हो तो आप अकेला यहाँ पे कभी फील नहीं करोगे। आपको ग्रुप बहुत सारे मिलते रहेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा वाइब्रेंस के साथ म्यूजिक आपके लिए प्ले होता रहता है, ताकि आप अकेलापन यहाँ पे फील ना करें। नीचे उतरते उतरते संध्या हो चली थी और कटरा शहर जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था। वापसी में यदि आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर सुविधाएं मिलेंगी। और शाम तक हम पहुंच चुके थे मेन गेट पर, जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। अपने आईडी कार्ड वापस जमा कर हम निकल पड़े वापसी की ओर। बोल सच्चे दरबार की जय।
वैन में बैठने के बाद डायरेक्ट हम होटल उतरे और जिसके बाद हमें पता नहीं चला कि हमें कब नींद आई और कब सुबह हो गई। नहीं वो बंदे यार भाई क्या कर रहे हो, इतनी देर में किडनैपिंग कैसे करोगे फिर वैन में? हां ये हुई बात, पहले वैन में किडनैपिंग हो गई। हां मैं भेज दियो कतई। और अब हम चढ़ाई करके नीचे आ चुके हैं माँ के दर्शन करके। अगली सुबह हम शिव खोड़ी यात्रा जाने के लिए वापस तैयार हुए। वैसे तो बसेस भी जाती हैं लेकिन हमें जल्दी आना था, इस वजह से हमने एक टैक्सी बुक की जिसका किराया लगभग 3200 रुपये था, जिसे बुक करके हम पहुंचे डायरेक्ट शिव खोड़ी। कहते हैं कि यह गुफा इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ शिव के दर्शन कर कोई जीवित नहीं लौट पाता। चलिए देखा जाए उस गुफा को। जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यदि आप बस से आते हो तो मैंने अभी जो चेक पॉइंट दिखाया है जहाँ पे गाड़ी का एक चेक पॉइंट होता है वहाँ पे आपको बस रोक देती है, उसके बाद आपको एक टेम्पो ट्रैवलर या फिर आपको टेम्पो वगैरह लेना पड़ता है, शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। यहाँ पे आपको छोड़ा जाता है, इसके बाद आप यहाँ से यात्रा पर्ची लेंगे, उसके बाद आपकी 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा है शिव खोड़ी की। यहाँ पे है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, बाय फुट अगर आप जाते हो तो लगभग 1 घंटे का रास्ता है और आपका पोनी का रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप आते हैं तो पोनी का रेट यहीं पे आपको पता चल जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर लिखा हुआ है डिस्टेंस, बट चल के देखते हैं कितना हमारा डिस्टेंस पड़ेगा शिवम द्वार से। वहाँ पे है शिवम द्वार और ये है आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पे स्लिप बनवा सकते हैं, पर पर्सन भी बनता है और ग्रुप भी बनता है, तो हमारा ग्रुप एक साथ बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे लेके आपको, ये हमारे ग्रुप की पर्ची बन चुकी है जिसके बाद अब लेके चल रहे हैं आपको द्वार पे। पवित्र गुफा शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर बताई जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडीय विराजित है। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। आस्था है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर को सबक सिखाना था। वेलकम टू श्री शिव खोड़ी होली श्राइन, लेंथ 3.5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ शिव खोड़ी और हमारे सुरेंद्र जी की इच्छा थी 15 साल से, ये 15 साल की इच्छा पूरी हो रही है आज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है। साल में एक ऐसा ट्रिप होना चाहिए जहाँ पर ट्रैकिंग हो, क्योंकि ट्रैकिंग में मजा आता है और अच्छा ट्रिप है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और अभी पूरा एंजॉय करेंगे इस ट्रिप को। हम पिक्चर अभी बाकी है भाई, ऐसा है कि अभी सभी हमारे भाई लोगों ने बोला है कि सबको बहुत मज़ा आ रहा है, इस मज़े की माँ की कृपा थी। अभी हमने अभी वैष्णो देवी जी की चढ़ाई पूरी की, अभी हमारे कुछ भाई कह रहे थे हम घोड़े पे जाएंगे, कुछ कह रहे हम ऐसे जाएंगे, कुछ वैसे जाएंगे, लेकिन हमारे जो अघोरी बाबा हैं नीतीश बाबा, वो उन्होंने कहा नहीं पैदल ही जाना है
और हम लोग सब पैदल चल के जा रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। उसके लिए बाबा और माँ इन पे कृपा करें और इनको बहुत आगे तक लेके जाए और तरक्की दे। एक बार जोर कारा जयकारा लगाएंगे हम इसी बात से, हर हर महादेव। यदि आप अंदर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो लगभग 2100 रुपए देकर आप श्राइन बोर्ड को 8 से लेकर 10 बजे तक रुद्राभिषेक अंदर कर सकते हैं। जय बोले की लगभग हम 1.25 किलोमीटर आ चुके हैं, 2.2 किलोमीटर, और अभी हमारे पास लगभग 25 मिनट हुए हमें चलते हुए, बीच में होल्ट भी लिया था हमने। बहुत ही जल्दी हम पहुंच जाएंगे, बहुत शॉर्ट रास्ता है, बहुत प्लेन रास्ता है। ये ऐसी जगह है जहां से महादेव हमारे अमरनाथ और पता नहीं कहां कहां इस गुफा से निकलते हुए गए थे। ऐसी गुफा की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। अगर हमें परमिशन मिली तो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, और नहीं भी मिली तो आप खुद आके देखिएगा। महादेव चाहे कितना ही दूर, कितनी ही ऊंची पहाड़ी या कितने ही गुफाओं के अंदर बैठे हों, उनके भक्त उनको ढूंढते हुए जरूर पहुंच जाते हैं। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन करता है, गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा की ओर खुलता है और दूसरी छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता है कि गुफा के अंदर स्वयं शिवजी साक्षात विराजित हैं। शरीर लगभग थकता जा रहा था और कहता जा रहा था कि मुझे और कितना घिसेगा, लेकिन मैं था कि भक्ति में लीन अपने शरीर को और चलाता जा रहा था। और इतनी सीढ़ियों के बाद फाइनली लगभग हम पहुंच चुके हैं हमारे महादेव के द्वार शिवखोड़ी। पीछे आप देखिए, वो है पॉइंट शिवखोड़ी जी का। तो यहाँ पे हमारी गुफा है, देखिए पवित्र गुफा, वो एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे नीचे आपका क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना सामान सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से है एंट्री पॉइंट गुफा का, और ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ पे मेन हमारे मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से वर मांगा कि वह जिस किसी पर सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिव जी को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु या रणसु वही जगह है जहाँ भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण के कारण ही क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिवजी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिवखोड़ी गुफा कहलाती है।
भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांध होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर नहीं दिखाई देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। वापसी में आते हुए मुझे फल दिखे तो मैंने सोचा कि यात्रा तो संपूर्ण हुई, दर्शन भी अच्छे हुए, अब फल से फलाहार कर अपनी व्रत को खोला जाए। तो फाइनली वापस आ चुके हैं बाहर द्वार से, चल रहे हैं अपने टैक्सी लेके कटरा स्टेशन। तो इस तरह थी ये हमारी यात्रा। कैसे लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर टैक्सी में बैठे और वापसी की ओर चल पड़े कटरा, जिधर हमने सभी ने मिलकर वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करी, खरीदारी की और अंत में डिनर कर हम वापस रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, शंभू।